نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم سامعين برادران اسلام بس ليكوز دينو فرانس سدرن نبي كريم صلى الله عليه وسلم مشان بحوثي गुस्ताखाना बातें कही थी और अपने मुल्क में होने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नाशाइँ कार्टून को जायज़ करार दिया था हाल यह है कि पूरे आलम इस्लाम के अंदर और तकरीबन दुनिया के तमाम मुल्कों में मुसलमानों की जानिब से ताल्लुक से बहुत गम गुस्सा पाया जाता है तो आइए जानते हैं कि शरीयत इस्लामिया के अंदर नबी करीम सलील्हल क्या मकाम मर्तबा है मोहतरम अल्लाह रबालमी ने समत पर बल्कि इस पूरी दुनिया पर बहुत से एहसान किए हैं उनमें एक सबसे बड़ा सबसे बड़ा एहसान नबी करीम सलील्हनबी बना कर भेजना है अल्लाह रब्लमी ने फरमाया लक़तमल्लामी नेफीम रसूल अमिन अनफु सहीबालमीन ने उम्मत मोहम्मद पर एक एहसान ये किया कि उन्हें में से एक रसूल को भेजा एक और बात यह है कि अल्लाह रबालमीन ने तमाम अम्ब कराम से इस बात की तस्दीक ली थी कि रे तुम मरन्नाबी वाल तनसरन्ना अरे अम्ब्या कराम तुम मोहम्मद पर ज़रूर ईमान भी लाओगे और मोहम्मद पर ज़रूर तस्दीक भी करोगे चुनाच सुरतफ में अल्लाह लाबमी ने ईसा लसलम के तालु से फरमाया था इसी ने कहा था मुबशिर अम्ब रसूली ये अतिम इम्बाद इसमू अहमद मैं एक ऐसे नबी की तस्दीक करता हूँ और एक ऐसे नबी की खुशखबरी देता हूँ जो मेरे बाद आएगा जिसका नाम अहमद होगा अल्लाह अब्बिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीमल बहुत पहले ही कर दिया था फिर मोहतरम सामीन कुरान कुरान करीम में और अहादी स में नबी करीम करीमल्ह के तल्ल से बहुत सी फजीलतें और बहुत सी बातें आई हैं जो आपकी अजमत शान आपके ऊँचे मरतबे आपके आलू मकाम को साबित करती हैं सबसे पहली बात यह कि अल्लाह अब नबी करीम सल्ला वम को जिस खानदान ने पैदा किया वो खानदान पूरे अरब के अंदर और उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हर नाहिए से सबसे ऊंचा था सबसे आला व अफजल था चुना ज सही मुस्लिम की हदीस एक किताबलफ़वाल में इमाम मुस्लिम रिमल इस हदीस से ज़िक्र किया है चुनाज रसूल सल्लम इनफ़ा कि ना रत्न वल्स इसमाइल इब्राहिम आलम के दो बेटे थे एक इस्माल और एक इसहा़ इसक के औलाद से यहूदिया है और नबी करीम सल वम व इसमाइल के औलाद से आए तो इस्माइल की बहुत सी शाखें थी इसल के खानदान में बहुत सी शाखें थी बहुत से खानदान कबीले थे उनमें सबसे अफज़ल जो कबीला था वो कबीला किनाना था तो रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्माइल की शाख किनाना से चुना फिर वस्तफ़ा क्रैश उमन किनाना फिर कबीले किनाना की बहुत सी शाखें थी बहुत से कबीले थे उनमें जो है क्रैश सबसे अफजल था उसमें रसूल सल वसम नेश को चुना फिर क्रेश की भी बहुत सी कबीले थे फिर फरमाया वा मिन बनी हाशम वी कुरेश बनी हाशिम क्रैश के बहुत से कबीले थे और उन्हें बनी हाशिम सबसे अफजल कबीला था अफ़ल ख़ानदान था उसको बनी हाशिम चुना वफ़ा में बनी, बनी 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 हाशिम और बनी हाशिम में सल्लाबी ने मुझे चुना तो कबीले क्रैश बनी हाशिम जो रसूल्ला के हानद्ला वसम पूरे अरब के अंदर हर नाही से हसब नसब में और हर ऊँचे मकाम में हर ऊँचे काम अफजल माना जाता था ये लोग काबुल्ला के मुतवली थे काबुतल्ला के ज़िम्मेदार थे के खादिमीन थे माना के अंदर माना इनके अंदर बुत पर थी कबर पर शिर, शिर पाया जाता था लेकिन समाजी कोई बुराई कबीले कुरैश के अंदर मौजूद हो इसका कोई तस्करा नहीं मिलता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसब नसब के अतबार से ख़ानदान के अतबार से सबसे अफजल लाए थे फिर मोहतरम साम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए हम जानते कि आप यातीम पैदा हुए थे आपके बाप नहीं थे आप पहले दादा की परवरिश में थे फिर दादा फिर चाचा की परवरिश में आए इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई अपने जतीी सरपरस ना होने के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी तक जवानी से अधेड़पन तक अधेड़पन से वफात तक आपने किसी भी तरह का कोई जुर्म नहीं किया कोई समाजी बुराई कोई समाजी खराबी कभी झूठ बोला हो कभी खयानत की हो कभी धोखा दिया हो कभी चोरी की हो कभी कुछ भी समाजी क्राइम किया हो नौज बिल्ला इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अगदस से ऐसी कोई चीज साबित नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब का जो कबीला था अरब का जो माहौल था हर तरह की बुराई आम थी हर तरह की बुराई आम थी आप तमाम बुराई से दूर रहा करते थे चुना सही मुस्लिम की हदीस में ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान वसलम कानासी फ़ैन कान कान कानासीमिन अगर कोई भी चीज़ गुनाह की होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गुनाह से सबसे ज़्यादा लोगों में दूर रहने वाले हुआ करते थे तो आपकी आपकी शख्सियत के अंदर कोई भी गुनाह रहा हो ये किसी भी चीज़ से साबित नहीं होता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गुनाह से पाक रहा करते थे फिर इसी तरह मोहरम सामीन कुरान करी मुख्तलिफ़ आयत नेबालमीम ने नबी करीमल वसलम के मुकाम को ऊँचा बताकर पेश किया अल्लाबालमी ने फरमाया वफ़ा का ज़िक्र ए मोहम्मद हमने आपके ज़िक्र को बहुत ही ऊँचा रखा है अल्लाह ने फरमाया व न्किन आवीम ऐ महम्मद आप अखलाक के आला दर्जे पर फ़ायद हैं एक और मक़ाम पर अल्लाह ने फरमाया व मा रसल्ला रम्मत आलमीन ऐ महद हमने आपको पूरी दुनिया वालों के लिए रहमत बना कर भेजा है और हाकिम की रिवायत है शेख इस हदीस सही करार दिया है रसूल्ला ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम अना रहमत मुहदात मैं तो सरापा रहमत हूँ मैं तो लोगों को हिदायत रास्ता बताने के लिए आया हूँ तो नबी अलैहि वसल्लम ख़ानदान के अतबार से अखलाक़ के अतबार से रहमत के अतबार से आला दर्जे पर फायज़ थे फिर मोहतरम सामीन नबी करीम अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने फरमाया और का दिक्र चुनाँ मुफसिन कराम इस आयद की तफसीर में बहुत सी बातें लिखते हैं चुनाच इबन अब्बा से मरफू अबन अबा से मसकूर कौल ज़िक्र किया जाता है जहात फरमाते हैं कि माजर तो अला जिक्र तमाईल्लाबी ने फरमाए मोहम्मद जहाँ जहाँ मेरा तस्करा किया जाता है ए मोहम्मद साथ में आप भी जिक्र किए जाते हो यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है ए मोहम्मद जहाँ जहाँ मेरा तस्करा किया जाता है जहाँ जहाँ मुझे याद किया जाता है मेरे साथ ए सात आप भी जिक्र किए जाते हैं आप देख लें कली में तोहिद उठाकर देख लें ला इला साथ महमद रसूल कली में शहादत अरदुल्ल अला अशद मोहम्मद नब्दू रसूल इसीलिए आप देख लें अजानी के लिमा पे अशदल् अशदुल्ल आप रसूल्ला आपत पर देख लें फिर तशुद में देख लें ले। ले। तो जहाँ जहाँ अल्लाह तला का तस्करा किया जाता है वहाँ वहाँ साथ वसल्लम का तस्करा भी किया जाता है इसी को कहा जाता है वफ़ा आना अला का दिक्र महमद हमने आपकी शान को बहुत ही ऊँचा बनाकर पेश किया है हमने आपकी शान को बहुत ही ऊँचा बनाकर पेश किया है चुनाची अपने अब्बास फरमाते हैं कि ما ذكرت الا ذكرت معي في الاذان والاقامه وتشاهدي ويوم الجمعه المنابر ويوم الفطر والاضحى ويوم التشريق ويوم عرفه والمشارق والمغارب هر هر مقامات پر جہاں جا اللہ تعالی ذکر کیا جاتا ہے وہاں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا اپ کا ذکر کیا جاتا ہے یعنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علو المرتبہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پھر محترم فرماتے ہیں کہ رفع الله ذِكْرَهُ في الدنيا والاخره اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس ذکر کو اپ کی یاد کو دنیا میں بھی اور اخرت میں بھی سب سے بلند بنا کر پیش کیا فلیس خطیب ولا متشہد ولا صاحب صلاه الا ينادي بها اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ہر خطیب اور ہر اذان دینے والا اور ہر خطبہ پڑھنے والا ہر ہر انسان خلم خلہ اعلان کیا کرتا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ہم ایسے نبی کی امتی ہیں हम ऐसे नबी उम्मती हैं जो खानदान में हसब नसब में मकाम मरतबे में अखलाक में किरदार में कैरेक्टर में हर हर चीज़ के अंदर आगे आगे रहा करते थे हम ऐसे नबी उम्मती हैं जो दुनिया के सारे खैर को दुनिया के सारे अच्छे कामों को दुनिया की सारी अच्छाइयों को दुनिया की सारी खूबियों को और दुनिया के सारे अफज़ल अफजल कामों को अपनी ज़ात में समोए हुए थे हम ऐसे नबी उम्मत हैं जो दुनिया के हर अच्छे अच्छे काम को उन्होंने अपनाया और ख़ुद भी किया और हम ऐसे नबी की मती हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी गलत काम अल्लाह ताला की नाफरमानी कुछ गुनाह का काम नहीं किया है हम ऐसे नबी की उम्मीदी हैं हम ऐसे नबी की उम्मती हैं फिर मोहतरम सामीन अहादीस नबू के अंदर भी मुख्तलिफ अहादीस में रसूल सल्ह व अपनी ज़ाति मुबारका का तस्करा किया और एक बात याद रखें मुस्तफी ने एतराज़ भी किया था नबी करीम शख्सियत के तल्ल से कि अहाद स नबूिया में मोहम्मद सल्ला वम अपनी ज़ात के तल्ल से जो बातें कहे हैं वो खुद की तारीफ़ है नौज़बिल्ला ऐसी ऐसी बात नहीं है हम जानते कि हमायन की कौन इन मोहम्मद अपनी तरफ़ से कुछ भी नहीं कहते हैं ये बाका तो वही हुआ करती है तो अहादिस्बिया में भी नबी करीम सल्ला वम ने अपनी ज़ात के तल्ल से जो 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 बातें बताई हैं जो जो अपना तारफ़ कराया है जो अपनी खूबिया बयान फरमाई हैं जो अपनी फजीलत बयान फरमाई हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से हैंबिलालमी ने फरमाया वल तकअ नबादल कावील लाख नामबिलान मोहम्मद अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते हैं अगर मोहम्मद अपनी तरफ से कुछ कहते तो हम पकड़ लेते उनको तो मुख्तलि हादिराम रसूल सल्हम ने अपनी फजीलत तल्लु से बहुत सी बातें बहें फरमी हैं चुनाच सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी करीम सल्ला ने फरमाया न सईद आदम ओमयामियामत तक रहती दुनिया से जब से दुनिया शुरू हुई आदम से लेकर ख़ियामत के आखिरी इंसान तक और ख्यामत के कायम होने के बाद आखिर तक भी और हमेशा हमेश रबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के सरदार हैं अन सईद और आदम यह आपके लिए बहुत बड़ी फजीलत है फिर फरमाया मैं और मैं ही सबसे पहला वो इंसान हूँ सूर के फूके जाने के बाद मेरी कब्र सबसे पहले फटेगी फिर फरमाया व शाफिया वाहमुशफ़ा सबसे पहले सिफारिश करने वाला मैं ही हूँ और सबसे पहले मेरी सिफारिश ही कबूल भी की जाएगी यह हदीस सही बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है तो मोहतरम सामीन ये थे हमारे नबी करीम सल्हे वसम फिर मोहतरम सामी नबी करीम यत यह भी है कि नबी करीम सब तक दुनिया के अंदर मौजूद रहे उम्म मोहम्मदिया और साहब कराम तमाम आसमान बलाओं और मुसीबतों से महफूज रहे चुनाचे सही मुस्लिम की रवायत रसूल वसल्लम अन नजूम अमरतलसम फैदा रहजुम अत समा अमा वा अमरतलसाबी फैदा जहब तो ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सितारे ये आसमान की निगरानी करने वाले हैं ये सितारे आसमान के लिए अमन के अलम बरदार हैं ये सितारे आसमान के अमन के ज़मानत हैं अगर सितारे जब हच्छी लिए जाएंगे तो आसमान पर अजाब आ जाएगा और मैं ने फरमा और मैं उम्मत मोहम्मद या के लिए मेरी उम्मत के लिए मेरे सहाब कराम के लिए अमन का जरिया हूँ जब मैं दुनिया से चला जाऊँगा मेरे सहब कराम पर हो सकता है कुछ आजाबा भी आ जाएँ तो नबी करीमल जब तक दुनिया के अंदर मौजूद रहे साहब कराम के साथ नबवी बेसत नबी साहब कराम हर तरह के आसमानी आसमानी बलाओं से और आसमानी मुसीबतों से महफूज भी रहे फिर मोहरम सामीन नबी करीम सल्हल अल्लाह अपना दोस्त बना लिया था قران کریم سے اور احادیث اربعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ بالعالمین نے صرف دو ہی لوگوں کو اللہ کے دوست قرار دیا ہے۔ ایک سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا واتخذ الله ابراهيم خليلہ۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ اور خود رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الا اني ابرو الى كل خليل من خليل ولو كنت متخذا خليلي لاتخذت اباكن خليلا ولكن الله اتخذني خليلا۔ پھر فرمایا ان صاحبكم خليل الله۔ सही मुस्लिम की रिवायत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखो मैंने जिन जिन लोगों को तक दोस्त बनाया है उन तमाम से अपनी दोस्ती का से बरात का इजहार करता हूँ फिर फरमाया अगर मैं दुनिया में किसी को दोस्त बनाता तो वो कर सिद्दीक को अपना दोस्त बनाता लेकिन अल्लाह ने मुझे अपना दोस्त बना लिया है और याद रखो तुम्हारा ये साथी हैं तुम्हारे है। तो ये नबी अल्लाह ताली के दोस्त हैं तो मोहतरम शामिन ये शरफ़ ये एज़ाज़ और ये ऊँचा मकाम अम्बे कराम में से सिर्फ दो को हासिल हुआ है इब्राहीम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर मोहतरम सामीन नबी करीम साहब से जहाँ मुख्तलिफ़ फ़ाइाल हैं उसमें एक फ़जीलत यह भी है कि नबी करीम सातुमनबी थे। आपकी बात कोई नबी आने वाला नहीं है अल्लाबालमी ने फ़रमाया माकारा महमदनबाद रज़ाकुम उला के रसूल व ख़ातनबीन फिर इसी तरह आपके फ़ाइाल में से एक फजीलत यह भी है कि नबी करीम सल्हे वसलम ने माना कि दुनिया में अम्बे कराम की तरतीबे में सबसे से आखिरी में आए लेकिन नबी करीम सल्हु वसम ने मेराज आज के मौके पर तमाम अम्बे कराम की इमामत भी फरमाई थी तमाम अम्बे कराम की इमामत भी फरमाई थी आपके फजाल में सिख फजल ये भी है कि अल्लाह अबी कुर करीम में नबी करीमल वसमल की कसम भी खाई थी और याद रखें अल्लाह अबिन जिस चीज़ की कसम खाते हैं वो चीज़ बहुत सी बहुत ही अव्वल हुआ करती है चुनाच कुरान करी में लाबी ने रसूल्ला की कसम खाते हुए फ़रमाया सल्ह ला रुक़ा इन नम लफ़ी सक्रति म्याम ला रुक़ इन लफ़ी सक्रति म्यामुन ए मोहम्मद आपकी उम्र की कसम आपकी कसम ये लोग गुमराहियों में भटकते जा रहे हैं ये लोग गुमराहियों में भटकते जा रहे हैं फिर मोहतरम सामीन कुरान करीम हम लोग पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ़ आयात लाबालमी ने मुख्तलिफ अम्ब कराम को नामों से पुकारा या इब्राहीम आर हादा, या आदम ए आदम उसकन अंदाजोजल जन्ना या शाल या या याहूद या लूत या नू मख्तलफ अम्ब एक्राम को अल्लाहबालमीन ने नाम लेकर पुकारा लेकिन जब नबी सासम का दस्कर आया तो अल्लाह लाबालमी ने पूरे अदब एहतराम के साथ और नबूत और रसालत की फजीलत को बाखी रखते हुए नबूत के एजाज़ से पुकारा कहा या आयूह रसूल मा बल्लम रबिक या आयुहन नबी लिमत हरम ए रसूल अए नबी कहीं फरमा या आयूल मुज्जामिल ए चादर को और सोने वाले या आयू अलमुद्दफिर तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ था अल्लाह ताली की तरफ से कि अल्लाहबल्ला नबी अलैहि वसल्लम को तो नाम के बजाय नबूत के एजाज़ से पुकारा नाम के बजाय रसालत के एजाज से पुकारा नाम के बजाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूत के बोझ को समान ना सकते हुए या नबूत के बोझ के तले हुए जब चादर ओढ़ कर सो रहे थे उस ज़िम्मेदारी को उस जिम्मेदारी को अफजल मानते करार दिया अरे मोहम्मद आप चादर ओढ़ कर सो रहे हैं आप उठ जाइए ये बहुत बड़ा एजात था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूरत आलमानबालमी ने एक आयत में दो अम्बे कराम का तस्करा किया लेकिन एक नबी का तस्करा नाम लेकर किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा नबी से फरमाया अल्लाह म ने फ़रमाया इन इ उन्नासव्राहिदी तब वादर नबी वल अनु सबसे ज़्यादा इतबा अगर किसी की जा सकती है तो इब्राहिम हैं और ये नबी हैं तो लोगों को चाहिए कि इब्राहिम की और इस नबी की इतबा करें यह बहुत बड़ा एजाज़ था अल्लाह ती की तरफ से नबी करीम करीमल्ह् वसम के हम ऐसे नबी की उम्मती हैं जिन्हें अल्लाह अल्लाहब कुरान करीम में कहीं पर भी नाम लिया बग़ैर नबूत और रिसालत के एजाज के नाम से तस्करा किया तो मोहतरम सामीन हम मुसलमान को चाहिए कि सीरत नबिया पड़े सल्हुस हम जाने कि हम किस नबी की उम्मती हैं हम किस नबी के मानने वाले हैं और हमारे नबी उनका क्या मका मरतबा है हमारे नबी सल्हे वम उनके लिए क्या क्या एजाज रखे गए हैं हमारे नबी सल्हे वसलम के लिए क्या क्या फ़वाद जिक्र किए गए हैं इनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक इंसान किसी भी चीज़ की फजीलत को जाने का आने पहचाने का उसका मकाम उसका मर्तबा उसके दिल में आएगा भी नहीं और याद रखिए और याद रखिए कि अल्लाह ताला के पास फ़लाह हासिल करने के लिए अल्लाह ताला के पास कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करें आपकी इज़्ज़त करें आपकी तौकीर करें चुनाच सुरतुल आरामबुलमी ने फ़रमाया फ़लिन आमनू भी है वरूह व नसरू व तबूर उमलन अलायायकमफलिखून जो लोग मोहम्मद पर ईमान लाए जिन लोगों ने मोहम्मद को तकवीत पहुंचाई जिन्होंने मोहम्मद की मदद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने मोहम्मद सल्लम की दीवी तलीमत की तबाह की मोहम्मद के दीव नूर की तबाह की वही लोग कामयाब होने वाले हैं हम ऐसे नबी की उम्मती हैं फिर इसी तरह मोहतरम सामीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत बड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी फजीलत यह भी है कि आपको जो मुआजा दिया गया वो रहती दुनिया तक के लिए है हर नबी का जो मुजजा था मूसा सलाम कई सलाम मुख्त अम्बे कराम के जो मुआजा थे वो अम्बे कराम के साथ साथ ख़त्म भी हो गए लेकिन आपका मौजा आपकी वफ़ात के बाद से भी रहती दुनिया तक के लिए मौजा कुरान करीम कुरान करीम का ऐसा मुजजा था जो पूरी दुनिया तक के लिए था जो नबी करीमलम पर उतारा गया था खुद रसोल्न फरमाया वलम के माम माम अम्बिया मिन नबीन अलात मिलालू आमन अलीबर कि अल्लाह अल्लाहबालमीन ने जितने भी अम्ब्या अकराम भेजे हैं हर नबी को लाबालमीन ने कुछ मुआवजे अता किए थे जिन्हें देख कर उस वक्त के इंसान ईमान लाया करते थे वही नमा कान लदी ऊती तोल्ला और मुझे जो जोज़ा दिया गया था वही की वो शक्ल है जिसे कुरानी करीम कहा जाता है फ़ारजू अनकून अक्तरक़ामा जो उम्मीद है कि़्यामत के दिन मैं सबसे ज़्यादा मेरे मतबी नहीं हुआ करेंगे सही मुस्लिम की रिवायत है तो मोहतरम सामिन अलैहि वसल्लम को कुरान करी को मौज़ा अता किया था जो रहती दुनिया तक के लिए बाकी है तो मोहतरम सामिन हम ऐसे नबी की मती हैं फिर इसी तरह हर मुसलमान के दिल में नबी करीम के अहतराम होना चाहिए आपके लिएत होनी चाहिए आपके लिए तो़ीर होनी चाहिए फिर उन महब्बतों का मुजाहरा भी होना चाहिए कौला भी हो अमला भी हो मौलानी है कि जबान से ईमान ले कर आएँ अमला नहीं है कि रबी कर शरीत पर अमल करके दिखाएँ आपके अवामी को अपनी ज़िंदगी में नाफिस करें आपके नवाहीजनाव करें आपने जिन चीज़ों करने का हुक्म दिया उनको मुकम्मल तौर पर करें जिन चीज़ों को आपने हराम करार दिया उनसे मुकम्मल दूर रहा करें और आपकी शरीय की इतबा करें आपकी शरीय की दिफा किया करें और जो जो लोग नबी अलैहि वसलम पर इल्ज़ाम लगाया करते हैं उन तमाम से बरात का इज़हार करें उनके दिल अपने उनके दिल में अपने लिए बोज रखा करें यह हमारे रसूल के ईमान के वाजिबात में से वाजिबात में से ये वाजिबात हैं फिर इसी तरह मोहतरम सामीन नबी करीम साम की फजीलत यह भी है कि जहाँ जहाँ कुरान करील्हबालमी ने अपनी इत का हुक्कुम दिया साथ ही साथ रसूला के ताद का भी हुक्म दिया ला अबालमी ने फरमाया मैं यू तो एक रसूल फ़ख من يطيع الرسول فقد اطاع الله جس نے رسول کی اتباع کی جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ, کی کی اتیع اللہ اتیع الرسول تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی الله کرو ایک اور مقام پر اللہ اللہ نے فرمایا قل ان تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله اي محمد اپ کہہ دو اگر تمہیں اللہ تعالی سے محبت تو میری اتباع کر کے تو ان آیات الله اللہ رب العالمین रसूल्ला की तात को अपनी तात करार दिया रसूल्ला से मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दिया तो मोहतरम सामिन हम ऐसे नबी की उम्मती हैं फिर नबी करीम सलील्हलम जैसा कि मैंने बताया कि हसब नसब के अतबार से ख़ानदान के अतबार से अखलाक किरदार के अतबार से हर अरे एतबार से अफजल हुआ करते थे अफज़ल थे साहब कराम ने नबी करीम सान में बहुत से कसीदे भी कहे कसायद भी कहे साहब कर नबी नबी करीमलम की फ़ज़ीलत में आपकी तारीफ़ें बहुत से अशार भी कहें एक और बात मोहतरम सामीन ये जो अम्बिया कराम के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है क़राम करामान में गुस्ताखी क़लिमात कहे जा रहे हैं नबी सलासम शान में गुस्ताखाना क़लिमात कहे जा रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है ये कोई नई बात नहीं है खुद नबी करीमलम को कुफ़ार मकान बहुत से अजीब वरीब और इसतज़ायक अल्क़ से नवाजा था बहुत से अजीब वरीब और बहुत से अल्फाज कहे थे किसी ने कहा जादूगर किसी ने कहा कज्साब और किसी ने कहा कि मजनून जिस शख्स को जिस मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चालीस साल तक पूरा मक्का अमीन के लबब से याद करता था सादिक के लखब से याद करता था और मोहम्मद के फैसलों को बराज़ार अब कबूल कर लिया करते थे ऐसे नबी को नबूत के और तोह की दावत के मौके पर कहा कि कजाब है जादूगर है साहिर है मजनून है ये कुफार की आदत है ये कुफार की आदत है फिर इसी तरह जिस नबी के लोग करते कुफार मक्का, जिस नबी का एहतराम किया करते थे और जिस नबी से अपने अपनी, बे, अपनी बेटियों की शादी को एजाज़ समझा करते थे इस नबी को बसावत बहुत मरतबा कत्ल भी करने की कोशिशें कोशिश की गई मक्का में कतल की कोशिशें की गई नौज बिल्ला मदीने में यहूदियों ने बहुत मकामा पर कत्ल करने की कोशिश की नौज बिल्ल तो ये अम्ब्या कराम के साथ और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गुस्ताखाना ये गुस्ताखाना हरकत ये नाजिब अल्फाज ये नाजिब कलिमात इसकी ये कोई नई दास्तान नहीं है ये तो अम्ब कराम के साथ होता रहा है एक और बात याद रखें तारीख बताती है कि जब जब अम्ब्या कराम के साथ गुस्ताखियाँ की गई जब जब अम्बा कराम शान में नाजिब कलिमात कहे गए इस्लाम तेज़ी से उभरा है उस वक्त दो बातें देखी गईं तारीख़ी किताबों में लिखा है जब जब कुफ़ार मका ने देखा कि इस्लाम की ताकत बढ़ती जा रही है इस्लाम बढ़ता जा रहा है अल्लाह का कलीम बुलंद से बुलंद होता जा रहा है अलीसलामला इस्लाम सर बुलंद होता जा रहा है इस्लाम पर कोई चीज़ गालिब नहीं आ रहा है इस्लामी गालिब होता जा रहा है वाला अमरी अल्लाह तला का मामला बुलंद से बुलंदर होता जा रहा है इस्लाम तरक्की करता जा रहा है जैसे कुफार ने ये चीज़ देखी इस्लाम को गलबा पाते हुए देखा इस्लाम को फैलते हुए देखा उनसे रहा नहीं गया उनसे रहा नहीं गया उन्होंने अपने जाम में अपने ख्याल में यह सोचा कि चलो इस्लाम के खिलाफ कुछ कहा जाए पैगम्बर इस्लाम के के ख़िलाफ़ कुछ कहा जाए ताकि दुनिया वाले इस्लाम के तल्ल से गलत बातें सोच कर पैगम्बर इस्लाम के तालुक़ से गलत बातें सोच कर इस्लाम से पीछे रह जाएँ इस्लाम में दाखिल ना हो लेकिन यह पहली चीज़ रही उनकी मकारी ये कभी कामयाब नहीं हो सकी देखा यह गया कि जब जब बिल्बिकीम सल वशान गुस्खी की कलमात कही गई इस्लाम और बुलंद हुआ है लोग इस्लाम में और ज़्यादा दाखिल हुए हैं और शातिमीन रसूल नबी करीम सासव के ख़िलाफ़ बुरा भला कहने वाले वो उस ज़माने में भी थे और आज भी हैं और दुनिया की ताकतों ने ऐसों को बहुत से अवार्ड भी दे रखे हैं सलमान रुजडी बाहयात है जिस पर अल्लाह ताला की लानत हो तस्लिमान नसरीन वो भी बाहयात है बंग्लादेश में उस पर अल्लाह ताला की लानत हो और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बजात खुद मुसलमान होते हुए अपने आप को इस्लाम का उम्मत ये मानते हुए अपने आप को मुसलमान कहते हुए नरोज़ बिल्ल इस्लाम की शान में गुस्ताखी की है तो मोहतरम सामी इन, इन हालात में हम मुसलमानों को इस्लाम पर और ज़्यादा अमल करना चाहिए याद रखें जब जब दुश्मनान इस्लाम इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ कहते हों इस्लाम के खिलाफ कुछ करते हों और नबी करीम सास में शान में गुस्ताखी करते हो, उम्मत का फ़र्ज़ यह हुआ करता है कि ऐसे मौक़ों पर हम मजहब इस्लाम की तलीमत को दुनिया वालों के सामने पेश करके दिखाएँ नबी अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा को दुनिया भर के सामने ज़ाहिर करके दिखाएं क्या दुश्मन ऐ लोगों देखो जिस नबी को तुम लोग बुरा बला कह रहे हो जिस नबी की शान में तुम लोग गुस्साखी कर रहे हो जिस नबी को तुम लोग बुरा बला कह रहे हो ये नबी दरअसल ऐसा है यह नबी इसके अखलाक़ ये हैं ये नबी इसके किरदार ये हैं ये नबी ये नबूत से पहले चालीस साल तक इसका किरदार ऐसा रहा है ये नबी शादी के बाद ये ऐसे रहे हैं ये नबी नबूत के बाद से वफात तक ऐसे रहे हैं हमारा यह फर्ज बनता है कि हम दुश्मनान इस्लाम के सामने गैर मुस्लिमों के सामने इस्लामी तीलमत को उजागर करें इस्लामी तलीमत को फैलाएँ नबी करीम सासम की सीरत को फैलाएँ और सबसे पहले बज़ात खुद अपने आप को और अपने घर वालों को अपने अला औलाद को सीरत रसूल पढ़ाएँ सीरत रसूल के सुनहरे नकूश पढ़ाएँ नबी करीम सासम की सीरत बतें आपके फसाइल बताएँ ताकि ख़ुद उम्मत मोहम्मदिया वजल बसरा मारिफत की रोशनी में नबी के से फ़ाल को समझ सकें आपके फ़ाईल को जान सकें और आप पर आप उम्मत का ईमान और मजबूत हो अमल में और आगे हों नबी के अखलाक को अपनाने की और ज़्यादा कोशिश कर सकें आपके अखलाक के हसना को अपनाने की और ज़्यादा कोशिश कर सकें तो मुहतरम शामिर उम्मत महमद यापर जहाँ मुख्तलि फ़रद हैं उम्मत मोहम्मद यापर जहाँ मुख्तलि वाजबात हैं उसमें वाजबात तो नबी भी है नबी पर कैसे ईमान लाएँ नबी पर कैसे ईमान लाया जाए नबी की कैसे मदद की जाए नबी का कैसे दिफा किया जाए और नबी की सरत कैसे पढ़ी जाए ये वाजिबात भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं जिनका तस्करा कुरान करीम खुद अल्लाह ने फरमाया फरूबी ही वरूह व नसरूह व तब नुर उनकामफली हूं तो मोहतरम सामीन हालात कुछ भी हों एक मुसलमान के लिए अपने दिन को लाजम पकड़ना बहुत ज़रूरी हुआ करता है मोहतरम सामीन एक और बात देखी जाती है एक और बात तारीख ने हमें बताई है एक और बात तारीख गोशों से हमें मिलती है कि जब जब मुसलमान इस्लामी तालीमात से दूर हुआ करते हैं नबी करीम असम के तालीमत से दूर हुआ करते हैं आपके अखला के हसनों को अपनाने से पीछे रहा करते हैं दुश्मनान इस्लाम के तौर तरीक़ों दुश्मनान इस्लाम के तहजीब पर चलने लगते हैं ऐसे मौक़ों पर मुसलमानों की बदअमली की वजह से मुसलमानों के अपने करतूतों की वजह से दुश्मन इस्लाम भी इस्लाम के खिलाफ कहते हैं दुश्मनान इस्लाम भी पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ कहते हैं तो नवूज कहीं ना कहीं नबी करीम मसासम की शान में गुस्ताखी में हम मुसलमानों की बद, बदामली और दी से दूरी भी तो ज़िम्मेदार हैं अगर हमने दुनिया वालों के सामने इस्लामी तालुमत को पेश किया होता तालीमत नबिया को पेश किया होता अमल पैकर बनके बन के दिखाए बनकर दिखाए होते तो ये दिन देखने नहीं पड़ते ये दिन देखने नहीं पड़ते तो मोहतरम सामीन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह ताला पर ईमान के साथ साथ नबी करीम साहब पर ईमान को मजबूत करें और इतात रसूल के साथ एतात इतातुल्ल के साथ एतात रसूल मुकम्मल आगे रहें कुरान करी तिलावत के साथ साथ जहाँ जाना कुरान करीम के अंदर रसूल अल्लाह के औसाफ का जिक्र किया है फ़ाईाए का तस्करा किया है उनको अपने अंदर अपनाएँ फिर इस तरह ज़िंदगी के हर शोबे में ज़िंदगी के हर गोशे में समाजी ज़िंदगी में गैर मुस्लिमों से मामलत में लैन देन में तिजारत में ऐसे बनकर दिखाएँ ऐसे अखला का मुजाहरा करें ऐसी अमाली ज़िंदगी बनकर दिखाएं कि कुफ़ार ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि ये शख्स इतना अच्छा है तो इसका दिन कितना अच्छा होगा ये शख्स इतना अच्छा है तो इस नबी अच्छा अच्छा तो की बात मान रहा होगा वो कितना अच्छा होगा हमें इस बात को अपनाने की ज़रूरत है अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह आप तमाम मुसलमानों को नबी कर सीरत को पढ़ने उसका मुताला करने और तमाम गोशों को अपने अंदर नाफिस तौफ़ी फ़रमाएँ बस بارك الله بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر روف رحيم ورب حليم